Assalamu alaikum everyone, welcome to our video series Learn German for Beginners A1 Deutsch course. Last lesson में आप लोगों ने सीखा था personal pronoun जो pronouns होते हैं उनके बारे में और आज का जो lesson है उसमें हम सीखेंगे how to conjugate two most important verbs haben and sein और इनको जो है वो helping verbs भी कहते हैं और ये अपनी आप जो है वो conjugate करते हैं according to the subject. तो अभी start कर लेते हैं अपना lesson number 12. Lektion 12. Lektion 12. Verbkonjugation haben und sein. Once again, Verbkonjugation haben und sein. इस लेसन में हम लोग सीखेंगे इन टू हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, हाबेन एंड साइन. ये जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स होते हैं किसी भी सेंटेंस में और इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये अपने आप को कंजुगेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के लिहाज से इनकी फॉर्म जो है वो चेंज होती है और इसके अलावा हम लास्ट में एक छोटी सी एक्सरसाइज भी करेंगे ताकि आपको अच्छे से पूरे लेसन की समझ आ जाए कि हमने आज क्या सीखा है. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हाबेन से. तो हाबन के लिए हम सबसे पहले टू सेंटेंसेस लेते हैं जो बहुत ही इजी हैं, जो आप लोगों ने पहले भी सुने हुए हैं. पहला है इश हाबे आइन आउटो जिन जी फेर हायराटेड. तो यहाँ पे आपने अपने सब्जेक्ट को देखना है, पहले में सब्जेक्ट कौन सा है इश और उसके अकॉर्डिंगली जो वर्ब है उसकी, जैसे कि मैंने लास्ट लेसन में बताया था कि उसकी एंडिंग हमेशा ई आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा इश हाबे आइन आउटो. और जी के लिए जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे जिंथ, जी जिंथ फेर हायराटेड. ये तो दोनों की एग्जांपल हो गई. तो अभी फ़िलहाल हम जो है सबसे पहले हाबन को ले लेते हैं वर्ब को और उसका जो है वो कैसे अपनी फॉर्म चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द प्रोनोमन. तो वो हम देख लेते हैं सबसे पहले सिंगुलर और फिर प्लूरल. सिंगुलर प्रोनोमन के लिए इसकी फॉर्म कुछ यूँ हो गई इश हाबे टू हस्ट Sie haben, er, sie, es hat. और जो प्लूरल प्रोनोमन होगा उसके लिए है wir haben, ihr habt, sie haben, sie haben. दोनों के लिए haben ही यूज होगा, बस क्लाइनर ग्रोस का जो है वो फर्क होता है छोटे बड़े का, s जो है उसका. तो बाइस्पिल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ich habe ein Haus. Hast du eine Freundin? तो यहाँ पे हम सिर्फ हाबेन को अभी डिस्कस कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए कि इश जो है उसके साथ आएगा हाबे. ये आप लोगों को एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, इसको जैसे है वैसे ही बस आपको अच्छे से अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा. इश के साथ आएगा हाबे और डू के साथ आएगा हस्ट. जैसे कि मैंने बताया था कि डू के लिए हमेशा एस टी यूज़ होता है और इश के लिए एंडिंग ई होती है और बाकी जो जी और जी है उनके लिए ई एन और वीयर के लिए भी ई एन और ईयर के जो है उसके लिए एंड एंडिंग जो है वो टी होती है. तो ये आप लोगों को खुद जो है अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमें कौन सी एंडिंग यूज़ करनी है, कौन से सब्जेक्ट के साथ, कौन से प्रोनोमन के साथ. तो नेक्स्ट है वीयर हाबन आइन आउटो हप्ट ईयर किंडर. वीयर हाबन, जैसा कि मैंने बताया कि वीयर के साथ एंडिंग हमेशा ई एन आएगी और ईयर के साथ टी, तो यहाँ पे वही जो है वो रूल यूज़ हुआ है. नेक्स्ट वन इज फ्रॉ स्मिथ हाबन सी आइनन मोमेंट एयर हार्ट काइन साइट. तो यहाँ पे भी देखिए हाबन जी, जी जो है सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली जो है वर्ब कंजुगेट हो गया है, एंडिंग ई एन आ गई है. और इसी तरह जो सेकंड वन है उसमें जो है एयर था, एयर के साथ जो है हार्ट आ गया है, एयर हार्ट काइन साइट. एयर जी एस के साथ जो है वो हमेशा हार्ट आएगा. तो हाबन के केस में मैं हाबन की बात कर रही हूँ फिलहाल. तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जब कभी प्रोनोमन जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता और हमें समझ नहीं आती कि अब हम क्या करें. तो उसके लिए आप एक बाइस्पिल देखिए मारिया हट आइने तख्तर. तो यहाँ पे जो है मारिया है, आप लोग सोचेंगे कि ये मारिया और इसके साथ दिखा हुआ है हट. तो अगर आपको ज़बानी टेबल पूरा याद होगा तो आपको पता चल जाएगा हट के साथ जो है वो क्या आता है. तो मारिया फेमिनिन है तो जी आता है इसकी जगह, तो जी हट मतलब सिंगुलर थर्ड पर्सन जो है वो है जी और वो मारिया की जगह आ जाएगा. तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि जी हट आइने तोख्तर, जी हट. और नेक्स्ट वन है माइने एल्टन हाबन आइनन हुंड.
तो यहाँ पे माइने एल्टन जो है वो प्लूरल है, आपको तो समझ आ जानी चाहिए। तो इसकी जगह जो है वो हम जी भी लिख सकते हैं, जो प्रोनोमन है वो आएगा जी, जी हाबन आइनन हंट। और वैसे भी एंडिंग जो है ना वर्ब की, उससे भी आप पहचान सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए। तो एंडिंग ई एन है तो मतलब प्लूरल ही चाहिए, जी हाबन आइनन हंट। तो अभी आ जाते हैं हम जायन की तरफ। जायन जो है वो भी कंजुगेट करता है अकॉर्डिंग टू द वर्ब, और उसकी सबसे पहले हम कंजुगेशन ही देख लेते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में। तो सबसे पहले है इश बिन डू बिस्ट, जी जिंथ, जी एस एयर, मतलब एयर एस जी इस्थ, वीयर जिंथ, ईयर जायद, जी जिंथ, जी जिंथ। तो यहाँ पे जो है हम इसकी मिसाल देख लेते हैं, या फिर मैं आपको इससे पहले बताती चलूँ कि जो जाइन है हाबन के बारक्स, इसकी एंडिंग्स जो हैं वो नहीं होती, इतनी कंसिडर नहीं की जाती। तो आपको इसको ना एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, जैसे है बस वैसे ही इसको अच्छे से आप लोगों ने ऑस्फेंडिक मतलब जबानी याद करना पड़ेगा। तो इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, इश बिन द्रायन स्वानसी शियारे आल्ट, बीस टू फेलिप्ट। तो इस के साथ जो है आ गया बिन और डू के साथ बिस्ट। डू का तकरीबन वैसे ही रूल है जैसे एस टी आता है साथ में, वैसे ही है डू बिस्ट, डू बिस्ट फेर लिप्ट। वियर जिंथ क्लूक्लिश, जायद ईयर क्लूक्लिश, वियर जिंद, तो वियर के साथ हमेशा जिंद आएगा, तो वियर जिंद क्लूक्लिश, और ईयर के साथ आएगा जायद ईयर, जायद, जायद ईयर क्लूक्लिश। फ्राउ श्मिथ जिंद जी सु हाउस है, एयर इज फेर हायराटेड। यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि जी के साथ जिंद आया है और एयर के साथ इस्त, और यहाँ पे अजाइन के केस में हमेशा एयर जी एस के साथ इस्त ही आएगा। और इसके बाद कभी कभार ऐसा होता है कि जब डायरेक्ट प्रोनोमन नहीं होते, जैसे कि हावन के केस में मैंने आपको बताया था, तो फॉर एग्जाम्पल सभी ने इस्त लेरिन, तो यहाँ पे इस्त आया है, तो इस्त से ही आप अपना जो है वो प्रोनोमन ढूंढ सकते हैं कि आपका प्रोनोमन कौन सा होगा। तो आप सबसे पहले आपने देखना है इस्त है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट फेमिनिन है या मैस्कुलिन है या न्यूट्रल है। तो यहाँ पे सभी ने जो है वो फेमिनिन है, तो इसकी जगह आप जी यूज़ कर सकते हैं प्रोनोमन, तो आ जाएगा जी इस्त लेरन। तो नेक्स्ट वन देखिए, माइने नाहबान जिंद जया नेट। तो यहाँ पे आप जिंद को देखिए, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है जिंद है, तो इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये प्लूरल फॉर्म में ही होगा। तो माइने नाहबान प्लूरल फॉर्म में, या फिर जो दूसरा जी होता है वो दोनों जी के साथ जिंद ही आता है ना, इसलिए फिर दोनों में से एक हो सकता। तो फिर कोई सा भी जी अगर कुछ के लिए जो है वो रिस्पेक्टफुल जी मतलब एस ग्रोस होना चाहिए, और नॉर्मल जब आप अपने अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को जी बोल रहे हैं तो फिर जो है वो एस्कलाइन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जी जिंद जया नेट, तो जी प्रोनोमन जो है वो यहाँ पे यूज़ होगा। आई होप आप लोगों को इसकी भी थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट अभी हम एक नज़र डाल लेते हैं, इससे पहले कि मैं आपको एक्सरसाइज की तरफ लेकर जाऊँ, तो हम एक बार फिर हाबन और जाइन की जो कंजुगेशन है अकॉर्डिंग टू द वर्ब, वो हम नज़र दोहरा लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले सिंगुलर फॉर्म में है इश हाबे डू हस्ट जी हाबन एयर जी एस हट, इन प्लूरल वियर हाबन ईयर हप्ट जी हाबन जी हाबन। अभी आ जाता है जाइन सिंगुलर फॉर्म इश बिन डू बिस्ट जी जिंद एयर जी एस इस्ट, एंड प्लूरल वियर जिंद ईयर जायद जी जिंद जी जिंद। तो ये होगी वर्ब कंजुगेशन, और अभी चलते हैं एक्सरसाइज मतलब यूबुंक, यूबुंक की जानिब। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लैंक्स में बताती जाऊँगी, सबसे पहला वर्ब होगा हाबन, तो वियर आइन हाउस, तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए वियर हाबन आइन हाउस। नेक्स्ट वन इज ब्लैंक ईयर किंडर, तो यहाँ पे आपने सब्जेक्ट को देखना है, ईयर को, ईयर के हिसाब से आपने अपना जो है वो वर्ब लगाना है, तो वर्ब हाबन ही है, तो यहाँ पे आप ईयर के साथ लिखेंगे हप्ट, हप्ट ईयर किंडर।
नेक्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा ज़ाइन. तो एयर ब्लैंक फियर ऑन द्राइसिस यारे आल्ट. तो एयर के साथ हमेशा आएगा इस्त. एयर इस्त फियर ऑन द्राइसिस यारे आल्ट. एंड लास्ट वन इज वर्ब जो है वो ज़ाइन ही है, जी हैर मायर. तो आपने जी को देखना है कि आपने जी के साथ क्या लगाना है, चाहे वो छोटा या बड़ा जी जो भी है उसके साथ जो है वो हमेशा जिंद आएगा. तो आप कहेंगे जिंद जी हैर मायर. तो ये था आज का हमारा लेसन. आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया हो. कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग ज़रूर जो है वो कमेंट कर दीजिएगा. तो आज के जो लेसन से जो है मुझे दीजिए इजाज़त. मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फिर मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़, डांगे, आउफ विदाज़ेन, चूज़.